हाँ, चौबाज आ रही है। हाँ, भाई प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है कि नहीं? मेरी हाँ सर, आ रही। नहीं। चलो यस ओके। तो आज सर्कल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर्कल्स के अच्छे क्वेश्चंस में वही 2A ही देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे यूजली 2A ही कर रहे हैं। तो 2A के जो क्वेश्चन बचे हैं ये देखो, ये क्वेश्चन 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 47। चलो जी, ये करो। ये वो क्वेश्चन है जिनका मैंने वीडियो अभी तक नहीं भेजा है। एक्सरसाइज 2 है। चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बताइए बच्चों, टाइम दो या ट्राई कर चुके हैं लोग, मैं स्टार्ट करूं? सर थोड़ा टाइम रुकिए ना। ठीक है ठीक है।
हाँ बच्चों हुआ सर वन मिनट देखो 34th क्वेश्चन में क्या हो रहा है यस सर एबीसी है जो राइट एंगल डेट है आराम से करो कोई जल्दबाजी नहीं राइट एंगल डेट ए है और सर्कल विद सेंटर ए एंड रेडियस ए बी कट्स बी सी ओके cuts BC ये डायग्राम है ना बच्चों सो दिस इज ए व्हिच इज द सेंटर दिस इज सी रेडियस AB तो एबी रेडियस दिस इज सी तो वो सर्कल बी सी और तो इसको डी और इसको ई पर कट कर रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया डायग्राम यस सर बी की लेंथ है बच्चों 20 और डीसी की लेंथ है 16 तो बीडी और डीसी की लेंथ गिवन है हमें निकालनी किसकी लेंथ है लेंथ ऑफ एसी तो वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ दोस्तों ये लेंथ निकालनी है बच्चों ने इस लेंथ को स्मॉल डी बोल देते हैं लेट्स से वी हैव टू फाइंड स्मॉल डी ये रेडियस आ रहा है तो स्टार्ट करें एंड दिस इज गिवन एज 90 डिग्री तो बच्चों लेट्स स्टार्ट पहला रिलेशन क्या दिख रहा है बच्चों इधर इस ट्रायंगल में सबसे पहले बताओ तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीडी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अच्छा चलो वो बाइसेक्ट करेगा फिर ट्रायंगल की सिमिलैरिटी बीडी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहां से ए से हां सर वो तो ऐसे जाएगा फिर वहां पे जो पॉइंट रहेगा उससे हम ट्रायंगल सिमिलैरिटी ले सकते हैं जिससे एसी में रिलेशन आ जाएगा अरे लंबा काम देखो सबसे पहले तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम ही दिख रहा क्या डी और आर के बीच में सर तो हम आर निकाल सकते हैं बाय ड्रॉप बाय कनेक्टिंग ए एंड डी तो फिर वो फिर आइसोसेलिस ट्रायंगल बन जाएगा श्योर चलो आपका मेथड भी देखते हैं क्या कह रहे हो पर ये देख रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 36 का स्क्वायर ये रिलेशन समझ में आ रहा है यस सर देखो पाइथागोरस थ्योरम देखा यस सर यस सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम अच्छा डी और आर दो वेरिएबल यानी एक इक्वेशन और चाहिए अब वो इक्वेशन देखो डू यू रियलाइज सी पॉइंट से ये लाइन कट करता हुआ जा रहा है 16 और ये 20 करेक्ट है तो दूसरी इक्वेशन पता है हम कैसे बना सकते हैं पावर ऑफ सी के रेस्पेक्ट से पावर ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू सर्कल तो पावर ऑफ सी का क्या फॉर्मूला होता था डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता था ना आया ना हाँ सर पावर ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू सी विल बी डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर शुड ऑल्सो बी इक्वल टू सी डी इंटू सी बी आया ना यस ये पढ़ाया था कि नहीं बच्चों हाँ भाई जनता यस और नो यस सर पढ़ाया था तो डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल बी 16 इनटू 36 तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए दीज आर टू रिलेशंस हमें निकालना क्या दोनों रिलेशन की हेल्प से क्या निकालना है हाँ क्या निकालना है बच्चों डी डी कैसे निकालू ऐड करवा ऐड करो
Is that okay? निकाल लोगे ना? Yes, sir. कितना आंसर आ रहा है डी का? बी ऑप्शन आ रहा है सर, 6√26. हाँ, जो बच्चा आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली बात कह रहा था बेटा, कैसे कह रहा था, क्या लॉजिक है, कैसे लगेगा वो? सर ए और डी को कनेक्ट कर दो तो फिर एबीडी आइसोसेलेस बन जाएगा. अल्टरनेट मेथड बता रहा है ये बच्चा, अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा. अच्छी बात है. हाँ, फिर उसके बाद आप मतलब आर को मतलब अगर आप बीच में से एल्टीट्यूड बना दोगे तो फिर आप आर निकाल सकते हो क्योंकि मतलब 45 डिग्री रहेगा. कहां से अल्टीट्यूड किस पे बनाऊं? ए से बनाऊं? हां, ए और बीडी का जो मिड पॉइंट है वहां से वहां तक. एक सेकंड, ये लो जी, आगे बोलो. तो फिर इसके बाद आर कैसे निकाल लूंगा मैं यहां से? आर फिर मतलब फिर ये बीडी मतलब वो पॉइंट को आप पी कर दो ना बीच वाला, तो बीपी फिर 10 है, फिर कॉस से आप निकाल सकते हो ना, तो 10√2 निकलेगा. कैसे सर? क्योंकि एबीपी एंगल 45 डिग्रीज रहेगा ना, क्योंकि एबीपी 45 क्यों रहेगा? क्योंकि आइसोसेलेस है ना. ओ अच्छा, राइट. हाँ, राइट. सर आइसोसेलेस राइट नहीं है, आइसोसेलेस है पर 45 क्यों रहेगा? हाँ, राइट. ठीक है, इसने हाँ वो तो आंसर नहीं आया था इससे. समझ रहे हो? यस सर. चलिए, क्वेश्चन 34 इज डन. एवरीबडी ट्राई क्वेश्चन 35 ट्राई करिए. क्वेश्चन 35. बताऊं बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज याद कराई है मैंने आपको? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो याद करने को बोला? नोट कर लो भाई.
ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी है, ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करते हैं तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। हाँ, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज याद रखनी है बच्चों इन अ राइट एंगल ट्रायंगल? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल तो वही होती है, सबको ही पता है पाइथागोरस थ्योरम भाई। पहली वाली तो सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये आया ना? यस सर। अच्छा, दूसरा ये वाले जानते हैं? पी स्क्वायर इक्वल क्यू आर। करेक्ट, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर। और तीसरा वन बाय पी स्क्वायर इक्वल टू वन बाय। करेक्ट, वन बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय क्यू स्क्वायर प्लस वन बाय आर स्क्वायर। हाँ, 35 लेके बच्चों, क्या हो रहा है 35 क्वेश्चन में? एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट ए, and on the leg AC is diameter, a circle is inscribed. ये AC, चलो ये ऐसा है, ये 90 है, तो AC is diameter, हमने एक circle बनाया है. क्या सबको ये diagram देखो clear हुआ? Yes sir. और ये circle पॉइंट डी पर जाके कट कर देता है। तो हमें लेंथ ऑफ एसी निकालना है। वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ एसी, लेट दिस बी एक्स, इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड ए डी, इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड ए डी,
ए बी की लेंथ को मैं बी ले लेता हूँ और ए डी की लेंथ को कितना ले लेते हैं डी. डू यू अंडरस्टैंड दिस. एक्स निकालना है बी और डी की फॉर्म में. कितने लोगों को दिख रहा है ये क्वेश्चन करेक्ट. अच्छा ध्यान से देखो ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा क्योंकि डायमीटर है. ये 90 होगा कि नहीं. यस सर. तो बच्चों इधर देखो एक्स डी और बी में कोई रिलेशन है. डायरेक्ट है रिलेशन. जल्दी बताओ. सब कोई रिलेशन समझ में आया सर. आपने वो फॉर्मूला में 1 बाय क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर लिखा है राइट में सर. वो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर. ओहो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर होता है. सॉरी मैंने गलत लिख दिया बच्चों. प्लीज करेक्ट कर लीजिए. मैंने जल्दबाजी में गलत लिखा है. इसे करेक्ट कीजिए. 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर होता है. मेरा मतलब यही था. यहाँ पर मैं 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर लगा रहा था. यहाँ गलती से क्यू आर वो लिख दिया था मैंने. प्लीज डू दिस करेक्शन. Everybody do this correction. गलती से गलत लिखा हुआ था. कभी गलत मत याद कर लेना एग्जाम में. पता लगा सर ने जल्दबाजी में गलत लिख दिया और अपन लोग गलती याद करके चले गए. फिर सोच रहे रैंक बनाएगा वो अपना. तो जल्दी से अब एक्स निकाल लो जल्दी से क्विक. कितना आ रहा है एक्स. ये आ रहा है शायद. देखना. यस सर. कौन सा ऑप्शन हुआ. डी ऑप्शन सर. वेरी गुड. सर क्या ये क्वेश्चन पावर ऑफ पॉइंट के थ्रू भी कर सकते हैं. मतलब थोड़ा टीडियस रहेगा पर किया जा सकता है ना. बताओ कैसे करना है. आप बताओ ट्राई करते हो. सर बी का पावर आप विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल ले सकते हैं. रुको. अरे रुक इतनी जल्दी नहीं भाई. आराम से मेरे को जरा समझने दे क्या कह रहा है. ये कह रहा है बच्चा पावर ऑफ बी. पावर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सर्कल. अब पावर के बहुत सारे फंडे होते थे. एक एस वन होता था. एक डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता था. एक पी ए इंटू पी बी टाइप का वाला फंडा होता. आप कौन सा वाला लगाएंगे. सर बी डी एंड बी सी और आप पावर ऑफ अ पॉइंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सर्कल के लिए आप बी डी इंटू बी सी कर रहे हो. ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बी डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलेगा. एक मिनट. पावर ऑफ बी बी डी इंटू बी सी होगा. आगे क्या कह रहे हो आप. ना हमें बी डी पता है ना हमें बी सी पता है. आगे बोलो. राइट सर. नहीं फ्लॉप होगा. समझ रहे हो ना. यस सर फ्लॉप होगा. चलो 35 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया बच्चों. 36 करिए. 36 एवरीबॉडी डू. 36 37 38 39 क्विक. 36 कर रहे हैं सब लोग. मैं बताऊं ये ट्राई करेंगे भी. करो दो मिनट लो. चलो
ये बी पॉइंट है 3,0 और ये सी पॉइंट है 3,0 इफ एंगल बी ए सी इज 90 ये कोई पॉइंट है उस पे एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा ये पॉइंट ए होगा ये 90 है तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी का लोकस सही है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेट पॉइंट ए बी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लेते हैं ए कॉमा बी दिख रहा है यस और नो? यस सर। तो कितने रिलेशन बनाने पड़ेंगे हमें लोकस के लिए बच्चों? दो तीन। देर आर टू एक्स्ट्रा वेरिएबल्स दिख रहा है बच्चों? दो एक्स्ट्रा वेरिएबल है तो कितने रिलेशन बनाने हैं? तीन सर। हाँ पढ़ाया था ना। तो पहला तो सेंट्रोइड से ही आ जाएगा H इज इक्वल टू कितने लोगों को फर्स्ट रिलेशन दिख रहा है सेंट्रोइड? दूसरा रिलेशन देखो इज एवरीबडी एबल टू सी दीज टू रिलेशंस? यस सर। अच्छा और तीसरा रिलेशन बच्चों इस प्रोडक्ट ऑफ स्लोप से आ जाएगा ये तीन रिलेशंस हैं तीनों से हमें क्या क्या मिल रहा है? तीनों से क्या क्या मिला? पहले वाले से तो मिला a इज इक्वल टू 3h, दूसरे से मिला b इज इक्वल टू 3k और तीसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो दिख रहा है तीसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो ये तीसरा रिलेशन बना क्या जरा इसको देखते हैं सिंपलीफाई करके। सो ये थर्ड रिलेशन में हम सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म भी यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो यू आर राइट। तीसरा रिलेशन ये बना है तो डाल दो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - a² तो 9k² इज इक्वल टू 9 - 9h² एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1 आया लोकस। इज दैट ओके? देखो जनता देखो
Is everybody okay with question 36? Yes, sir. Yes, sir. आपको समझ में आया क्या किया मैंने? आसान था कि मुश्किल था ये क्वेश्चन? इजी था। हाँ बच्चों 37th क्वेश्चन देखें। यस सर। क्वेश्चन में एक लाइन है, एक सर्कल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, यही है ना क्वेश्चन? Yes, sir.
तो यार ये तो आसान सा खेल है, ये लाइन है, ये सर्कल है, सबको चमक ही रहा होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? राइट यस हाँ है ना, यस ठीक है सर, ना? यस सर कैसे निकाले? सर वो लाइन सेंटर से पास करेगी तो फिर डिस्टेंस ऐसा तो कुछ नहीं। निकाल। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा लॉजिक, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। देख रहा है ये वाला डिस्टेंस निकाल दो, और इस डिस्टेंस में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? रेडियस रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दो। तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज पी माइनस आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस आर। हाँ यार पी यस माइनस आर, हाँ यार ना? तो जल्दी से अब पी और आर का हाँ वैल्यू सर, निकाल लेते हैं। लाइन क्या दिया हुआ है उसने? पी लाइन है, सर्कल क्या दिया है? सर्कल व्हाट इज द सेंटर? 3, -4। करो फिनिश करो उस क्वेश्चन को जल्दी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है? तो 3 3 9 -16 -25 अपॉन 5 रेडियस। रेडियस कितना है सर्कल का? 5। फाइव देखो जरा क्या आंसर आ रहा है। 7/5 है सर। देखो 7/5 यस सर, 7/5 है। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्वेश्चन 37? यस सर। चलो जी 38 करो। थर्टी एट फिर 39 करना, 38 39 दोनों करो जल्दी से। हाँ अब ऐसा लगना चालू हो गया क्या? क्वेश्चंस इजी हैं? हाँ भी बच्चों यस तो वो शुरू में टफ लगती है हर चीज, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे आपको लगेगा अरे यार ये तो वापस वही सब आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। आर यू एबल टू सी? करो 38 39 जल्दी से। हाँ
यस 38 हाँ बच्चों 38 हुआ सर डीसीटी यूज किया पर आंसर नहीं आ रहा डीसीटी क्यों यूज करोगे शॉर्टेस्ट पूछ रहा है तो शॉर्टेस्ट तो बच्चों टीसीटी होगा ना ओ राइट हाँ हाँ सॉरी सर वो यूज करना अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस शॉर्टेस्ट तो टीसीटी होगा ना यार हाँ सर कौन सा टेंजेंट छोटा होता है सर आ गया कितना आंसर आ रहा है जल्दी निकालो बच्चों पता है ना डीसीटी टीसीबीटी से टीसीटी छोटा होता है यस सर
हाँ 38 इज डन बच्चों, यस सर। थर्टी नाइन करो, थर्टी नाइन। स्मॉलेस्ट सर्कल टचिंग दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, पहले ये तो पता लगाओ कि दोनों सर्कल कैसे हैं। 39 में ये दोनों सर्कल एक के अंदर एक है, क्या है जल्दी 39 में जो दो सर्कल हैं? सर नो टचिंग। इसका सेंटर क्या है? 0.1 और रेडियस कितना है? 2 4 2 square। दूसरा वाला सर्कल देखो, सेंटर क्या है इसका? 2 है इसका शायद। 4.9, रेडियस कितना आ रहा है इसका जल्दी बताओ? 2 आ रहा है। ये R1 है, ये R2 है। D कितना आ रहा है दोनों सर्कल के बीच का? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। √733 उसका? हाँ ये 4 है ना, √80 आएगा, √80 और √5। क्लियरली डी ग्रेटर देन R1 + R2 वाला केस है ये, है ना? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। यस सर। तो डी ग्रेटर देन R1 + R2 वाला केस है, तो मतलब डायग्राम ऐसा है दोनों का। हमें वो सर्कल चाहिए जो सबसे छोटा और दोनों को टच कर रहा है, वो कौन सा सर्कल होगा जल्दी बताओ? दोनों यही होगा बीच में, है ना? यस नो? यस सर। उसका क्या चाहिए अपने को? उसका सेंटर चाहिए, राइट? इसका सेंटर 0.1 है, इसका 4.9 है, ये रेडियस 2 है। दोनों सर्कल का साइड सेम है ना, तो एक्चुअली ये जो सेंटर होगा क्लियरली बाय दिख ही रहा होगा आप सबको कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, सेक्शन फॉर्मूला है, मिड पॉइंट आ जाएगा।
क्योंकि रेडियस भी इक्वल ही है ना, तो यहां से यहां तक का लेंथ सेम ही रहेगा, ये लेंथ और ये लेंथ। अगर रेडियस का साइज बड़ा छोटा होता तो हम सोच सकते थे मिड पॉइंट नहीं होगा। अभी तो इसका रेडियस भी टू है, इसका भी टू है, ये इसका रेडियस अगर स्मॉल आर मान लो तो उसका भी स्मॉल आर मान लो, तो मिड पॉइंट ही रहा ना ये, दिस इज द मिड पॉइंट राइट। आया ना? यस सर। यस। अगर मान लो इसका रेडियस थ्री होता है, इसका टू होता, तो फिर मिड पॉइंट नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये थ्री प्लस आर हो जाता, ये टू प्लस आर हो जाता, राइट। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट का आंसर सेंटर कितना आ रहा है? सर अगर रेडियाई अलग रहते तो फिर कौन सा अप्रोच लिया जाता? तो फिर हमें रेडियस निकालना पड़ता, पता है हम रेडियस निकाल सकते हैं इसका, इसका रेडियस है वो कैसे निकालेंगे? टू प्लस आर प्लस आर प्लस टू इज डी विच इज फोर रूट फाइव, आया ना? सही कह रहा हूं? करेक्ट है? हाँ सर। तो फिर से स्मॉल आर मिल जाएगा अपने को, सर इसके बाद फिर सेंटर प्रैक्टिकली निकल सकता है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा राइट। हाँ बच्चों हुआ 38, 39 करो।
सर ये क्वेश्चन 39 ही था 39 नहीं 39 हो गया अब करो 39 के बाद 43 46 47 चलो 43 46 47 क्विक फोर्टी थ्री करें टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट भाई दो सर्कल है दोनों के दोनों का सेंटर ओरिजिन है इस तरह की कहानी है अच्छा फिर क्या होता है टेंजेंट्स फ्रॉम इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाए ऐसे टेंजेंट बनाए देख रहे हैं सबको दो टेंजेंट हाँ अब क्या बोला गया इस टेंजेंट के बारे में कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स मतलब ये दोनों पॉइंट दिख रहा है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स विद द फर्स्ट सर्कल ऑल्सो टचेस द सेकेंड सबको समझ में आ रहा है ये लाइन जो है इस सर्कल को टच कर रही है कैन यू सी दिस दिख गया सबको हाँ ना सर तो अब हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो चाहिए सबको समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आया यस सर
तो अभी ये बताओ बच्चों, ये ट्रायंगल के बारे में देखो, एक बात देखो, लुक एट दिस ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल के लिए अंदर एक सर्कल बना हुआ है, देख रहा है? ये देखा है अंदर वाला ग्रीन वाला सर्कल? यस सर। और बाहर वाला भी सर्कल दिख रहा है? डू यू रियलाइज अंदर वाला सर्कल इन सर्कल है? यस और नो? दिस इज इन सर्कल। अंदर वाला सर्कल इन सर्कल है, करेक्ट? यस सर। और बाहर वाला सर्कम सर्कल है। दोनों का कलर अलग कर देता हूं ताकि आपको, अंदर वाला जो सर्कल है जिसे हम लेट से पिंक कलर का बना रहे हैं, अंदर वाला इन सर्कल है, पिंक वाला इन सर्कल है, ग्रीन वाला सर्कम सर्कल है, राइट? तो पिंक वाला इन सर्कल है, ग्रीन वाला सर्कम सर्कल है, देख रहे हैं सेंटर दोनों का ओरिजिन ही है, आया ना? यस सर। तो हम ये कह सकते हैं फॉर ट्राइंगल एबीसी इन सेंटर इज सेम एज सर्कम सेंटर, आया ना? यस सर नो? इन सेंटर और सर्कम सेंटर सेम है, हाँ या ना? है कि नहीं? यस सर। सो दिस मस्ट बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। करेक्ट? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये छोटा आर है, ये बड़ा आर है, तो बड़े आर और छोटे आर में रिलेशन चाहिए, राइट? ये 90 होगा, हाइट ही डायरेक्ट ले सकते हैं ना सर? डायरेक्ट। ये कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल 30 डिग्री होगा, तो हो गया। इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज साइन 30 डिग्री, स्मॉल आर इज आर बाई 2, करेक्ट है? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 43 के बाद? और 47 जल्दी करो।
46 एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और सेंटर कहां पर है रिफ्लेक्शन ऑफ ए कॉमा बी इन ए कॉमा बी का रिफ्लेक्शन इन वाई इक्वल टू एक्स है सो इट विल बी बी कॉमा ए तो सेंटर बी कॉमा ए राइट तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी देखो सर्कल की इक्वेशन यही होगी आया ना देखो सेंटर बी कॉमा ए आ गया यस सर नो यस सर अब सी कैसे निकालें सी कैसे निकालें एक्स एक्सिस टच कर रहा है जी स्क्वायर इक्वल टू सी राइट यस तो जी कितना है बी बी स्क्वायर इक्वल टू सी तो सी की जगह बी स्क्वायर डाल दो इजी था कि मुश्किल था इजी था सर इजी था चलो 46 के बाद नेक्स्ट कौन सा है 47 करो फोर्टी सेवन देखिए line meets the coordinate axis in A and B. ठीक है तो coordinate axis बना लेते हैं पहले
ये एक लाइन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ठीक है, आई थिंक एवरीबॉडी इज ओके हियर। ये एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, लेट्स से ये ए है और ये बी है, ओके सर। ओ इज ओरिजिन, अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बना हुआ है, तो इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल लेट्स से हम ये पिंक कलर वाला बना देते हैं। ऑफ कोर्स ये सर्कल जो है एबीएस डायमीटर पे बनेगा क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल है, सब समझ रहे ना बच्चों, एबीएस डायमीटर पे क्यों बनेगा ये सर्कल, इस सर्कल का डायमीटर एबी होगा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? यस आई आ रही है ना, द सर्कल विल हैव एबीएस डायमीटर क्योंकि 90 डिग्री है यहाँ पे, ओके। If D1 and D2 are the distances of the tangent to the circle at origin, अच्छा tangent at origin भी बनाना है इसका, तो tangent at origin कुछ कुछ ऐसा आ रहा है, ये tangent at origin है बच्चों, देखा, तो D1 और D2 perpendicular distances है, ये D1 ये D2, इज द डायग्राम क्लियर? इज द डायग्राम क्लियर बच्चों? यस सर। हमें क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ सर्कल निकालना है डी वन और डी टू की फॉर्म में, क्वेश्चन समझ में आ गया, डी वन और डी टू की फॉर्म में डायमीटर ऑफ सर्कल, क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब yes, ये जो ए बी है ना इसकी लेंथ निकालनी है डी वन और डी टू की फॉर्म में, करें स्टार्ट। तो देखो जनता, ये एंगल अगर थीटा है, कैन यू सी दिस बच्चों, ये एंगल थीटा, देखा ये एंगल थीटा आया ना? यस सर। ये एंगल थीटा है तो ये 90 है, तो ये देख रहा है बच्चों, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, टेंजेंट और ऑल्ट, वो याद है सर्कल की प्रॉपर्टी होती थी, ये एंगल थीटा है तो याद आ रहा है, याद आ रहा है ये एंगल थीटा होता था, यहां भी यही है ना, ये टेंजेंट है ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, करेक्ट? यस सर। अच्छा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, करेक्ट? यस सर। तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, देखो ये वापस वही प्रॉपर्टी, ये टेंजेंट इस तरफ से आया ना? यस सर। वैसे भी सोच सकते हैं ये थीटा है ये 90 है तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा ना, पूरे का सम 180 होना चाहिए, करेक्ट? यस सर। ठीक है, ये जो डायमीटर है इस डायमीटर की लेंथ निकालनी है आपको, तो त्रिकोणी लगाने की कोशिश कर रहा है, ओके
ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस ये थीटा हो जाएगा। सबको ये थीटा और 90 माइनस थीटा समझ में आ गए? देख लो। यस सर। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। ओबी विल बी डी वन सेक थीटा, हाँ या ना? यस और नो? देखो हाँ या ना? यस सर। And OA is D2 cosec theta, Ayana? Yes. ठीक है। अच्छा इधर देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, सबको दिख रहा है 90? यस सर। ये पॉइंट अगर एच है तो एच बी इज ओ बी कॉस थीटा, हाँ या ना? Yes or no? Yes. And OB is D1 sec theta, so D1 sec theta into cos theta is D1, right? HP समझ में आ गया? आया ना HP? भाई OB cos थीटा ही तो होगा एच बी इस ट्रायंगल के हिसाब से। देखो करेक्ट है? यस सर। ओके ऐसे ही एच ए निकालो, एच ए, एच ए विल बी ओ ए कॉस 90 माइनस थीटा विल बी डी टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा विल बी डी टू। देखो एच बी इज डी वन एंड एच ए इज डी टू, हाँ या ना? यस सर। सो दस AB is equal to HA plus HB. D1 plus D2. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसके और भी मेथड है, मैंने ये वाला किया। सर मैंने दूसरे मेथड से ट्राई किया। हाँ मेरे वाले मेथड से छोटे मेथड भी हो सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं। पर सबको समझ में आया ये वाला मेथड क्या किया हमने? यस सर समझ में आया। एंथ जैसा क्वेश्चन नहीं है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जैसा। चलो बच्चों नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करते हैं, छुट्टी।